हेलो एवरीवन साथियों, आपका जो एग्ज़ाम हुआ है बिहार इंटीग्रेटेड बीएड का, जो कि आज यानी 28 अगस्त को आपका जो पेपर हुआ है, और यह पेपर में 120 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया था, तो जिसमें एक अभी जो देखा जा रहा है कि जनरल स्टडी से जो क्वेश्चन थे थोड़ा टफ आ रहा है, ठीक ना, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। और जो सेक्शन है वह बहुत ही आसान, सेम जैसा मैंने पढ़ाया था वैसा क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक ना। जनरल स्टडीज की जहाँ तक बात करता हूँ तो वो थोड़ा अलग टाइप में आया है, उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो तो डायरेक्ट जो पढ़ाया था सेम ऐसे पूछा गया है, ठीक ना। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जनरल हिंदी को लेकर, जो कि 15 नंबर के आपके परीक्षाओं में आते हैं और आए थे, इस जो कि 28 अगस्त को यानी आज का जो एग्जाम हुआ है, तो इसको एक एक करके चर्चा करेंगे और उसका सबसे पहले आंसर की जानने की कोशिश करेंगे। जैसा है 16 नंबर यानी आप मिला लीजिएगा साहित्य को माना गया है, ठीक ना। तो मैं सबसे पहले गद्यांश को लेकर जहाँ तक बात करता हूँ, तो उसका जो होगा कठिन तपस्या और महान यज्ञ, क्या हो जाएगा, कठिन तपस्या कहता है साहित्य को माना गया है, तो उसे कठिन तपस्या और महान जो है यज्ञ। देखिए मैंने जैसे बताया था कि गद्यांश को कैसे सॉल्व करना है, यहाँ तक पढ़े थे आप, फिर आपको वहाँ यहाँ तक फिर आपको नहीं पढ़ना है, फिर से यहाँ के बाद पढ़ना है, ठीक। तो उसके बाद 17 नंबर में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, उच्च साहित्य की भाव भूमि क्या है, तो उसका क्या होगा, जहाँ व्यक्तित्व का कोई स्वतंत्र विषय नहीं रह जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जहाँ व्यक्ति के व्यक्तित्व का कोई जो स्वतंत्र विषय नहीं रह जाता है, तो इस प्रकार आपका ये हुआ। फिर 18 नंबर क्वेश्चन है, क्या उच्च स्तर के क्रियाकलाप किससे होते हैं, तो उच्च स्तर के क्रियाकलाप जो होते हैं आत्म प्रेरणा से होते हैं, तो ठीक। सबसे पहले गद्यांश में दिखाता हूँ कि यह आत्म प्रेरणा देखता हूँ, ठीक। यह आपका जैसा कि आप यहाँ से देख पा रहे होंगे, ये हमारा क्या होता है, यह क्रियाकलाप आत्म प्रेरणा से होते हैं, ठीक, ये हुआ। उसके बाद है किस देश में आत्मकथा लिखने की परिपाटी नहीं रही, तो साथियों यहाँ तो लिखा हुआ है कि हमारे देश में आत्मकथा लिखने की परिपाटी नहीं रही, यानी किसकी बात कर रहा था, भारतवर्ष की बात कर रहा था, तो आपका ऑप्शन नंबर एक हुआ। उसके बाद 20 नंबर है, हिंदी में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि हिंदी में किस विधा को पाखंड कहा गया है, तो किस विधा को कहा गया है पाखंड, तो ये आत्मकथा को, तो देख लेते हैं गद्यांश में कहाँ था, ठीक ना। गद्यांश तो ऐसा था जैसे आत्मकथा लिखने की परिपाटी नहीं रही, ठीक ना। तो इस प्रकार क्या कर सकते हैं आप सॉल्व कर किए होंगे। देखिए उसके बाद है आपका पद्मावत की रचना किसने की, तो हमारा क्या हो जाएगा, पद्मावत की राज क्या होगा, मलिक मोहम्मद जायसी। गद्यांश के जो क्वेश्चन थे उसमें सेम जितना क्वेश्चन पूछा गया सेम उसमें ला सकते थे नंबर, ठीक ना, और लाए भी होंगे। उसके बाद कहाँ तक हो गए, 21 तक हो गए हैं। फिर 22 में है उन्नति, कह रहा है कि उन्नति में प्रयुक्त संधि का चयन कीजिए, तो जैसा कि मैंने संधि पढ़ाया था तो उसमें बताया था, तो उसमें ये क्या हो जाएगा आपको, यह व्यंजन संधि इसका उत्तर हो जाएगा। फिर 23 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, वार्ता, कह रहा है वार्ता शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, उसमें आप फंसे जो होंगे संवाद में और बातचीत में, ठीक, यहाँ आप थोड़ा डाउट में आ गए होंगे, लेकिन ये सबसे, देखिए यहाँ उत्तर देखते हैं क्या लेते हैं, लेकिन यहाँ सबसे बेस्ट जो है यहाँ ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका बातचीत, कहता है उससे वार्ता करो तो शायद यह सॉल्व हो जाए। राम को कहता है मम्मी अच्छा मोहन से वार्ता कर लो, वार्ता मतलब क्या होता है, बातचीत कर लो, वार्ता कर लो, यदि वो कोई भी गठबंधन टूटता है तो क्या करना पड़ता है, उससे वार्ता करना पड़ता है, यानी बातचीत, ठीक ना। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर जो डी होगा। उसके बाद है 24 नंबर है, जो देखने में प्रिय लगता हो, तो मैंने अनेक शब्दों के बदले जब एक शब्द पढ़ाया था एमसीक्यू में भी दिया था, तो वहाँ क्या दिया था, प्रियदर्शी, जो देखने में प्रिय लगता हो, तो प्रिय नाम से ही है प्रिय, तो प्रिय का प्रिय हो गया, और देखना यानी दर्शी, तो कितना आसान क्वेश्चन था हिंदी का। उसके बाद है
देख कितना नंबर हुआ आपका, ये 24 हुआ, तो 25 नंबर देखते हैं। शाश्वत, शाश्वत का क्या होगा आपका, ये विलोम पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका शाश्वत का, आपका नश्वर और क्षणिक में आप फंसे होंगे कि नश्वर दे कि क्षणिक दे, तो उसका उत्तर सबसे जो हो जाएगा आपका ये क्षणिक हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 25 का, क्या हो जाएगा ये आपका क्षणिक हो जाएगा, तो आप यहाँ और यहाँ फंस गए होंगे, ठीक ना, तो क्षणिक आपका उत्तर सही हो जाएगा। उसके बाद है 26 नंबर है, जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं, जो क्रिया अभी हो रही हो उसे हम अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जब काल पढ़े थे तो सभी का डिस्कस किया था, तो जो क्रिया जो है अभी हो रही है उसे हम अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं, 26 का हो गया। फिर 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कह रहा है कौन सा यौगिक शब्द है, ठीक, चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो ये आपका विद्यालय, ठीक ना, ये आपका क्या हो गया यौगिक शब्द हो गया। उसके बाद है मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट जो है लग ही रहा है यह विदेशी शब्द है, यानी विदेशज है, क्या हो जाएगा मजिस्ट्रेट आपका विदेशज हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, तो ये आपकी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, जैसे मैंने वर्ण में पढ़ाया था, तो आपको क्या हो जाएगा इसका उत्तर वर्ण हो जाएगा, ठीक। उसके बाद है धुंधला, धुंधला, धुंधला में प्रयुक्त प्रत्यय क्या हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा साथियों, ये आपका लाभ प्रत्यय हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये लाभ प्रत्यय हो जाएगा। इस प्रकार हिंदी के जो 15 क्वेश्चन थे, तो 15 में 15 बहुत सारे दोस्तों ने लाए होंगे, ठीक ना, 15 का 15 जैसा डिटो पढ़ाया गया था सेम हिंदी का, इसमें कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसको नहीं पढ़ाया गया हो, 15 का 15 आप लाए होंगे। आपका कितना स्कोर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से एग्जाम दिए होंगे, और नेक्स्ट सेक्शन का वीडियो जल्दी आने वाला है। धन्यवाद।